हावड़ा टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ से सैयद अहमद हाई स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने खून का हत्या दिया। इसने अदारे के लिए बड़ा कारनामा है। इस प्रोग्राम से हौसला पाकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी में इससे भी बड़ा यानी मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद करने का फैसला किया है, जिसमें शहर के अहम इलाके हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में होने वाली एक तकरीब में शहर के अहम लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये दुआ दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऑर्गेनाइजेशन ने आइंदा के लिए कई प्रोग्राम बना रखा है। उनका इरादा है कि यहाँ एक मेडिकल कैंप कायम किया जाए ताकि गरीबों का न सिर्फ मुफ्त इलाज हो बल्कि उन्हें यहाँ से मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाए। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में शेख सलाहुद्दीन मामून अख्तर, डॉक्टर सिराज अहमद, साबिक कौंसलर मोहम्मद सलीम, शहजादा सलीम वगैरह मौजूद थे। इसके अलावा इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अदारा के तमाम कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को इस शानदार कामयाबी से हम कहते हैं अब्दुल्ला अंसारी, आफ्ताब आलम, आसिफ कलाम अंसारी, हामिद अंसारी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जहांगीर खान, मोहम्मद सलाम खान, मोहम्मद जफरुद्दीन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आजम, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी, मोहसिन खान, नौशाद खान, रजगुल्ला, शब्बीर अली, तबरेज़ अख्तर, वाजिद अली शाह, वसीम अहमद, जफर इकबाल, जुबैर खान वगैरह के नाम काबिल जिक्र है। तो आइए सिलसिले में देखते हैं कि अदारा के सदर मोहम्मद इनाम ने सिलसिले में अपने इस अदारे के सिलसिले में और ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यूथ टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेजी से डोनर आए यहाँ पे कि 12 से 1 बजे तक हम लोगों ने 100 डोनर क्रॉस कर दिया है। 100 से ऊपर डोनर का हम लोगों ने ब्लड ले लिया और इसमें हम लोगों के साथ कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिर्फ हम लोग बचपन के 20-22 दोस्त ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चालू किए और हम लोग अपने बल पे इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग हमें बस अपना दुआ में याद रखिए हम लोगों को, ताकि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी आगे ले जा सके हैं। और इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है 7 जनवरी को हम लोग वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर टीम जो यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए आएंगे, कलकत्ता वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर टीम यहाँ पे आ रहे हैं फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में। उसके बाद और भी बहुत सारा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों का दुआ का जरूरत है और देखते हैं फिर 7 तारीख को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। आप लोगों को उसका भी खबर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को। जो टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने जो बनाया है, हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने कौम का, अपने दीन के लोगों का, अपने मोहल्ले, अपने इलाके लोगों के लिए भला करने के लिए, सोशल वर्कर के लिए। इससे किसी से हम लोगों का कोई जाति मुफाद नहीं है, कोई जाति फायदा हम लोगों को किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों से जो बन सकेगा हम लोग अपने बल पे इसको चलाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इसको अपने बल पे आगे ले जाएंगे। हम लोगों को ज्यादातर मेडिकल लाइन पे, मेडिकल के लिए फील्ड पे काम करने का ज्यादा हम लोगों का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने हम अपने सामने देखा है, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो इलाज के बगैर क्या बोले इंतकाल हो जाते हैं। इलाज के बगैर उनका सही मुकम्मल इलाज नहीं होता तो हम उनके घर वाले उनके मौत का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को देखना पड़ता है। तो हम लोग ज्यादातर इस फील्ड में, सिर्फ मेडिकल फील्ड में ज्यादातर इस पे एक्टिव रहना चाहते हैं। हॉस्पिटल का तो इंशाल्लाह अभी ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं, पर हाँ एक दो डॉक्टर चेम्बर वो भी फ्री, जो हर वीक में 2 या 3 बड़े बड़े डॉक्टर कलकत्ता से आके फ्री चेकअप करेंगे। जो भी होगा उनका समझ लीजिए उनमें कोई उन लोगों का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वो हम लोग ही बेयर करेंगे। और डॉक्टर का जो भी फीस होगा जो भी है और दवा का भी जो भी उन लोगों का रहेगा वो हम लोग ही अपने फंड से इंशाल्लाह बेयर करेंगे। अभी तो इंशाल्लाह देखिए 2024 के 1 जनवरी में 7 जनवरी को एक कैंप है, उसके बाद फिर हम लोग अपने ग्रुप से मशवरा करके, अपने लोगों से मशवरा करके फिर आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह हम लोग आपको बताएंगे। एडुकेशन लाइन में भी हम लोगों का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त है जो खुद होटल मैनेजमेंट किए हुए है, उन्होंने ITC होटल में अप्रोच किया हुआ है और वहाँ से उनको 15 लड़के के लिए
उन्हें दावत दिया गया है कि आप अपने तरफ से 15 लड़का लेके आइए जिनको हम लोग फ्री में यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराएंगे, प्लस उसके बाद जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 6 महीने तक उनको हम लोग अपने यहाँ नौकरी में भी रखेंगे, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे फ्री में कोर्स करा के उनको 6 महीने अपने यहाँ नौकरी में भी रखेंगे। ITC से ये अप्रोच हमारा एक दोस्त मोहम्मद जहांगीर खान जो ये लेके आए, ये प्रपोजल लेके आए। बेशक हर काम के लिए फंड का जरूरत है, हर दीनी काम कीजिए या सामाजिक काम कीजिए उसके लिए फंड का जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब जो भी फंड का जरूरत होता है हम लोग आपस में मिल बांट के ही करते हैं। हम लोगों के वालिद साहब हम लोगों के लिए सपोर्टिव है, हम लोगों का परिवार वाले हम लोग के लिए सपोर्टिव है, बाकी अल्लाह मालिक है। और हम लोगों का किसी का कोई फंड या किसी से कोई मदद का कोई अभी तक फिलहाल कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों का। पैगाम यही है जिस तरह से हम लोग एक यूथ के लड़के होकर इस तरह के काम के लिए हम लोग एक्टिव हुए, मैं आज हमारा जनरेशन के यूथ बोलिए तरह तरह के बुराइयों में मुतला है, जो कि देखकर बहुत बुरा लगता है कि यार हम लोगों का ही कौम का बच्चा है, अपना सब साथी है, संगत है, दोस्त है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तरह तरह के बुराइयों में मुतला है। पर मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, उन लोगों को भी दावत देना चाहता हूं कि भाई हम लोग के साथ जुड़े और जुड़कर हम लोग के साथ बस अपना सपोर्ट ही दे हम लोगों को, हम लोग उससे ज्यादा और किसी का कुछ है, हम लोगों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए। और हम लोगों के लिए जब भी फील्ड वर्क में जो भी हेल्प लगे वो हेल्प चाहिए, ताकि वो यूथ के लड़के लोग जो इधर उधर हो रहे हैं कम से कम हम लोग के साथ जुड़े। और जो एडुकेटेड लड़के जो आज के डेट में पढ़ने वाले लड़के भी माशाल्लाह बहुत हैं, बहुत ऐसे लड़के लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा उम्दा उम्दा कोर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कोई जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि उन लोग के लिए भी हमारा मैसेज है कि अगर उन लोग के दिमाग में कोई प्रपोजल है, कोई उन लोग के सामने भी कुछ अगर कोई अच्छा ही कोई प्रपोजल है कोई ये है तो हम लोग के आके साथ शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी अमल करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। मैं यू टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद इमरान प्रेसिडेंट। यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के सब बचपन के साथी थे, तो हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन करे जो समाज के लिए भलाई करे। किस है तो ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब है बहुत सारा आदमी के लिए कि एक वरदान हो गया कि नहीं पहुंच पाता, बहुत सारा आदमी का जहन में नहीं आता कि भाई कार्ड किससे ले। अब हमारा ये 23 लड़का का मेंबर है टिकिया पाड़ा के हर गली से, तो जिससे भी रब्ता करेगा कोई भी लड़का टिकिया पाड़ा का, ये झोपड़ी वाला से हो गया या बिल्डिंग वाला से कोई भी रब्ता करेगा तो हर लड़का अवेलेबल है, उसको ब्लड डोनेशन का ये जो कार्ड है ब्लड का अवेलेबल आप मिल जाएगा जब तक हम लोग के पास रहेगा। इसके बाद भी हम लोग सोचे हैं कि सोशल वर्किंग का जो काम है हम लोग आगे से करते रहे, इसके बाद बहुत सारा सोशल वर्किंग के काम हम लोग लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पूरा टीम साथ है और आप लोग भी साथ है इंशाल्लाह ताला, आगे से फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो बच्चे आज जो काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और इन्हें हौसला दे, इन सब अच्छे कामों में हिस्सा ले और बढ़ चढ़ कर मिलजुल के एक साथ वो लोग काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ इसके लिए पूरे कमेटी को तहे दिल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अच्छी काम की है इसकी मिसाल मिलती नहीं है। ड्रोन एक ऐसा चीज है जो हमें इबरत सिखाती है, जात पात से दूर रखती है, खून कब किसको चढ़े ये कोई नहीं जानता, लेकिन खून के बगैर लोगों की जिंदगी दुर्भर होती है। और ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन टिकिया पाड़ा के जो टोटल यूथ दल है, ये लोग जिन्होंने ये काम किया है काफी सराहनीय है। मैं अल्ताफ अहमद टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर सेक्रेटरी पाराकीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज 26 नवंबर सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक बड़ा ही कामयाब ब्लड डोनेशन कैंप को किया और इन नौजवान लोगों की ग्रुप जो है माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव लोग हैं। और मैं इन लोगों से टिकिया पाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान से
जो लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए, और अपने टिकियापाड़ा के तमाम नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके कामों का हौसला अफजाई करें और इनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह।